नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं बलबीर और आप देख रहे हैं बलबीर आइडियल चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी से, आप मध्य प्रदेश के तहसीलदार कैसे बनोगे। दोस्तों ये बात सच है या नहीं है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पटवारी से। तो दोस्तों पटवारी क्या होता है? दोस्तों ये पटवारी क्या है, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है और स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी होता है। और इसका जो कार्य रहता है, ज़मीन से संबंधी, ज़मीन की क्रय विक्रय, खसरा खतौनी, ज़मीन का किसी के नाम चढ़ाना, किसी के नाम मतलब नहीं, किसी का नामांतरण करना, इसके साथ ही आय जाति मूल निवासी, इसमें भी इसका योगदान रहता है। कौन किस जाति का है, ये सब पटवारी का ही कार्य रहता है दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ पे पटवारी की बात करें, नहीं, अब दोस्तों हम यहाँ पे अगर तहसीलदार की बात करें तो तहसीलदार तहसील लेवल पे मेन ऑफिसर होता है, चीफ ऑफिसर होता है। दोस्तों ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही एक चीफ ऑफिसर होता है। इसका जो कार्य होता है वो ज़मीन से संबंधित विवाद या फिर ज़मीन के क्रय विक्रय की मॉनिटरिंग करता है, तथा साथ में ही ये जो पटवारी के जो कार्य होते हैं उस पर भी अपनी मॉनिटरिंग करता है। इसके साथ ही जो दस्तावेज कार्य हैं स्टूडेंट के, उन पे भी तहसीलदार के ही साइन होते हैं। अगर कहा जाए तो दोनों ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट के से संबंध अपना रखते हैं, एक कर्मचारी है दूसरा ऑफिसर है। तो यहाँ पे ये बात फिक्स हो जाती है कि नेक्स्ट जो प्रमोशन है पटवारी का वो तहसीलदारी है। तो दोस्तों इसके लिए अगर आपकी, अगर आप पटवारी हो तो 5 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिए हो तो डिपार्टमेंटली एक एग्ज़ाम होता है जिसके द्वारा आपको नायब तहसीलदार का पद दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही आपके नायब तहसीलदार बन जाते हो, फिर आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन है वो तहसीलदार के रूप में होता है। दोस्तों दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।